नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पर दर्ज हुआ राजद्रोह का केस, छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस में गरमाई सियासत। इलेक्शन कमीशन पीसी, नहीं टाले जाएंगे यूपी चुनाव। आयोग बोला सभी दल चाहते हैं समय पर ही हो यूपी विधानसभा चुनाव। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और कोरोना के बढ़ते केस, स्थिति कैसे संभालेगा चुनाव आयोग। सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान, बोले दिल्ली में ओमिक्रॉन का होने लगा कम्युनिटी स्प्रेड, पूरा मामला। हल्द्वानी में बोले पीएम मोदी, उन्होंने दोनों हाथों से उत्तराखंड को लूटा, हम लाए विकास। पटना जंक्शन पर आरक्षित टिकटों की जानकारी के लिए पूछताछ काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं, जाने नई व्यवस्था। ओमिक्रॉन संकट, 8 राज्यों में दोगुना हुए कोरोना संक्रमण के आंकड़े, चिंतित सरकार ने लिखा पत्र। दिल्ली सरकार के येलो अलर्ट से बरपा हंगामा, संगम विहार में डीटीसी बसों में तोड़फोड़। हजारों गांवों में भटक कर खोज निकाला मृत घोषित पत्नी को, प्रेम कहानी जल्द उतरेगी पर्दे पर। सावधान, आ गई कोरोना की तीसरी लहर, दिल्ली मुंबई में शुरू हुआ कम्युनिटी ट्रांसमिशन। जम्मू कश्मीर, मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी किए ढेर, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पीएम के मित्रों को बेच दी गई है बड़ी बड़ी संस्थाएं, यह आरक्षण को खत्म करने का एक तरीका, प्रियंका। कर्नाटक निकाय चुनाव, कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ा, 441 वार्डों में से 201 पर हासिल की जीत। इतिहास में पहली बार कश्मीर में 100 से कम बचे लोकल आतंकी, घाटी में खात्मे की ओर आतंकवाद। ड्रग्स केस में फंसे विक्रम मजीठिया को लगा झटका, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 5 जनवरी तक टाली। राहुल गांधी व्यक्तिगत यात्रा पर विदेश गए, पंजाब में कांग्रेस को रद्द करनी पड़ गई रैली। देश में अचानक बढ़े कोरोना के मामले, केंद्र ने 8 राज्यों को दिए खास निर्देश, कड़े कदम उठाएं। कर्नाटक में सरकार के चंगुल से आजाद होंगे मंदिर, सीएम बम्बई ने की घोषणा। 68 साल के बुजुर्ग ने नाबालिग को कर दिया था गर्भवती, कोर्ट ने सुनाई 3 गुना उम्र कैद की सजा। आर्य आक्रमण सिद्धांत पर आईआईटी खड़गपुर के कैलेंडर में ऐसा क्या है जिस पर छिड़ी है चर्चा। जिन पर लगा था उत्पीड़न का आरोप, कांग्रेस ने उन्हें सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, उठे विरोध के सुर। भारत में 1000 के करीब पहुंचे ओमिक्रॉन के मामले, दिल्ली महाराष्ट्र में सबसे बुरा हाल। पवार ने की मोदी की तारीफ, मैंने यूपी सरकार में उनके खिलाफ बदले की राजनीति का विरोध किया था। विरोध के बीच नागालैंड में AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। भ्रष्टाचार, सोने चांदी में खेल रहे बिहार के अफसर। मालेगांव ब्लास्ट, बीजेपी ने एक्शन की मांग, गवाह ने योगी का नाम लेने का दबाव बनाने का लगाया था आरोप। दिन भर रैली, रात में बैठकें, उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में अमित शाह ने पुराने अंदाज में मारी एंट्री। पार्टी करते हुए शराब समझकर पी बैठे एसिड, 3 की मौत, त्रिपुरा का मामला। ओमिक्रॉन के साथ ही बढ़ी डेली केसों में रफ्तार, भारत में कोरोना के नए मामले 13,000। कर्नाटक में ममता बनर्जी की एंट्री से कांग्रेस हुई सतर्क, भाजपा विरोधी वोट बंटने का सता रहा डर। आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम, 351 रक्षा उपकरणों की खरीद पर केंद्र की रोक, देश में ही बनेंगे। चुनाव से पहले राहुल गांधी फिर विदेश यात्रा पर रवाना, 3 जनवरी को करनी है पंजाब में रैली। फरवरी में रिकॉर्ड तोड़ेंगे कोरोना केस, कैम्ब्रिज की स्टडी में दावा, दूसरी लहर पर भी की थी सटीक भविष्यवाणी। भारत बायोटेक की तैयारी, 60 से अधिक देशों में वैक्सीन निर्यात करेगी कंपनी। ड्रैगन ने बदले अरुणाचल प्रदेश से सटे 15 इलाकों के नाम, बताया चीन की संप्रभुता। पाकिस्तान में तोड़ा गया था पवित्र मंदिर, अब भारत, यूएस, यूएई के 250 हिंदू श्रद्धालु दर्शन करने जाएंगे। तालिबान को सपोर्ट करके चीन ने कर दी गलती, अब हो रहा एहसास। सलमान की वीर और अक्षय की फिल्म अजनबी के प्रोड्यूसर विजय गलानी का निधन, लंदन में ली आखिरी सांस।
शादी के बाद यश के साथ भाग गई थी नुसरत जहां, लव स्टोरी का खोला राज। केपी एक्सप्रेस कर्नाटक में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज ताजा खबरों के लिए। हमारे दर्शकों से अपील है, सरकार के दिशा निर्देश का पालन करने में है सुरक्षा। रात्रि कर्फ्यू का पालन कर सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि, धन्यवाद।